हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है क्रिएटिन। क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन लेने से क्या नहीं होता। तो क्रिएटिन आप सब जानते हो कि सप्लीमेंट के अंदर सबसे पुराना और सबसे अच्छा सप्लीमेंट क्रिएटिन ही माना जाता है। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा यही बोला जाता है स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, मसल मास गेन करने के लिए। पर अभी क्रिएटिन के भी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। आज हम समझेंगे क्रिएटिन के बारे में, क्रिएटिन क्या होता है। क्रिएटिन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे किडनी में क्रिएटिन बनता है और हम जब मसल को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें ज्यादा क्रिएटिन की नीड होती है। जो नॉन वेज होते हैं तो वो अपना क्रिएटिन फिश, एग और मीट इनके थ्रू वो पूरा कर लेते हैं, पर हम वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो इसे पूरा कहां से करें, तो इसलिए हमें सप्लीमेंट के थ्रू क्रिएटिन। साइंस में भी प्रूव है कि क्रिएटिन लेने से मसल साइज बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है। पर कई लोग कहते हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनी खराब हो सकती है वगैरह वगैरह। ये कुछ भी आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्रिएटिन लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल सप्लीमेंट है जो हमें मिल रहा है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिन लो, आप पानी अच्छा पियो, आप अच्छा पानी पियोगे तो आपके मसल में पानी होल्ड होगा, कंट्रोल होगा तो आपका मसल। साइंस के अंदर भी ये प्रूवन है कि क्रिएटिन सबसे अच्छा सप्लीमेंट है। साइंस ने इस पर बहुत सारी रिसर्च की हुई और इसके अंदर ये प्रूवन हुआ है कि क्रिएटिन लेने से कोई डैमेज नहीं होता है, हेयर फॉल नहीं होता। कई लोग कहते हैं हेयर फॉल हो जाता है हमें क्रिएटिन लेने से, तो ये सब बकवास है, आप इन पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। अगर आप लोग क्रिएटिन को एक अच्छे फॉर्म में, मतलब कि आप उसे सही तरीके से यूज करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वो आपको मसल स्ट्रेंथ देगा, परफॉर्मेंस इन्हेंस करेगा और बिना किसी साइड इफेक्ट के सबसे सस्ता सप्लीमेंट आप देखोगे तो आपको ये 1000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अभी थोड़ी इसकी रेट हाई होगी पर तो भी फिर भी आपको 1000 के रेट में मिल जाएगा। साइंस में प्रूफ किया है साइंटिस्ट बने कि क्रिएटिन जो फॉर्मूला होता है वो अमाइनो एसिड को बना के क्रिएटिन फॉर्म करता है, क्रिएटिन कंटेंट करता है अमाइनो एसिड को। ये हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं मसल बिल्ड करने के अंदर, और बिल्ड करने के साथ साथ एक प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाते हैं। आप लोगों की, आपकी, मेरी, सबके बॉडी के अंदर क्रिएटिन प्रोड्यूस होता है। वो कैसे होता है, अमाइनो एसिड के थ्रू। हमारी बॉडी में जो भी अपन अमाइनो एसिड लेते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे कोई सप्लीमेंट के थ्रू हो, जिस भी फॉर्म के अंदर हो, तो जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो सब बना के अपन बॉडी के अंदर क्रिएटिन प्रोड्यूस करते हैं। क्रिएटिन अपने क्रिएटिन के अंदर होता है, क्रिएटिनाइन के फॉर्म के अंदर। अगर आप लोग नेचुरल हो, नेचुरल एथलीट हो, या फिर अगर आपके घर के अंदर अलाउ नहीं करते कि आप क्रिएटिन लो, तो आप नॉन वेज खा सकते हैं। नॉन वेज में रेड मीट सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए, इसमें बहुत अच्छा आपको क्रिएटिन मिलेगा नेचुरल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिएटिन के 3 बेनिफिट्स। फर्स्ट, क्रिएटिन हैज द सेफिएस्ट सप्लीमेंट इन द इंडस्ट्री। ये सबसे सेफ सप्लीमेंट है आप लोगों के लिए, ये हर कोई ले सकता है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी करता है या नहीं कर रहा हो, चाहे वो रनिंग भी कर रहा हो तो वो कब ले सकता है। ऐसा नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तभी आपको क्रिएटिन की जरूरत है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप रनिंग कर रहे हो तो उसमें भी ये बहुत यूजफुल। सेकेंड, हैज द मोस्ट साइंटिफिक सपोर्ट। साइंस ने इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च कर रखी है, काफी सारा इस पर सब कर रखा है, तो ये सब में सेफ प्रूव है। कहीं भी इस पे डिसएडवांटेजेस नहीं दिखे है साइंस के अंदर, इस पे अभी भी कई सारी स्टडीज हो रही है। थर्ड, इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। ये हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, ये आप सब लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिन हमारे बॉडी में क्या करता है, क्या नहीं करता। मार्केट के अंदर कई तरह के क्रिएटिन की भी फॉर्म आती है, पर सबसे बेस्ट होती है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और ये सबसे पुराना और सबसे अच्छा फॉर्म है क्रिएटिन का। इस पर साइंस ने काफी रिसर्च किया, बाकी भी अच्छे होते हैं, ये नहीं कह रहा मैं बुरा, पर ये सबसे अच्छा फॉर्म होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। हम इस चैनल पर से रोज वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ सप्लीमेंट के बारे में, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज